ना जरूरी नहीं है, तो आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, सिनेमा थिएटर में क्यों, क्या जरूरत है वहाँ पर हमारी पेट्रियटिज्म दिखाने की? जो सुप्रीम कोर्ट के जज का कल जो ऑब्जर्वेशन रहा कि हम पेट्रियटिज्म को अपने आस्तीन में बेन के रखेंगे क्या, सब बात सही है, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैंने समझता कि ज़रूरी है नेशनल एंथम को थिएटर में बजाया जाए और सब लोग खड़े हो जाए, क्या ज़रूरत है थिएटर में? हाँ, यकीनन 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, कोई ऑफिशियल फंक्शन हो, पार्लियामेंट का आगाज़ हो रहा है, तो बात बिल्कुल मुनासिब भी है और मौजू भी है जी। तो सिनेमा हॉल में मैंने समझता उसकी ज़रूरत है। अच्छा, ये यूपी में जिस प्रकार से एक प्रपोजल लाया जा रहा है शिया सुन्नी वोट को एक करने का, तो क्या आप सही दिशा में कदम मानते हैं? ये पूरी कोशिश ये है कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं है, ये केस में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो इनके लिए तो और मसाइल पैदा होंगे अगर ये करेंगे, उनके हम तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा होगा बीजेपी के लिए। राइट, आखिरी सवाल सर, केरला में जिस प्रकार से ये मामला जो लव जिहाद का सामने आ रहा है और कई सारे उस पर जो है कॉन्ट्रोवर्सीज हो रहे हैं, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए, जो हरिया का मामला है उसने तो अपना रिलीजन चेंज किया शादी से पहले और वो अडल्ट थी, फिर उसके बाद उसने रिलीजन चेंज करने के कई वक्त गुजरने के बाद उसने शादी की, तो उसको लव जिहाद कहना बिल्कुल गलत है। और जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन फैसला तो नियम सब ऑब्जर्वेशन जो था ये था कि भाई ना तो उनके वालिद ने पूछा ना तो NIA की इंक्वायरी लगा दिया। तो बात सही है, जो अडल्ट है वो अपना फैसला खुद कर सकते हैं, जब हम उनको वोट डालने का इख्तियार दे रहे हैं और फिर लीगली वो लोग अपनी मर्जी शादी कर सकते हैं, तो एक डेमोक्रेसी में किसी को रोक नहीं सकते, और उसको फिर इस तरह से एक रंग दे देना वो बात बिल्कुल गलत है। लेकिन जिस प्रकार से अभी केसेस सामने आ रहे हैं या फिर हम केस स्टडीज देख रहे हैं सर, तो एक पैटर्न दिख रहा है इसमें, ये पैटर्न है या नहीं है? देखिए, कोई अगर अडल्ट है, लीगली उसके पास एज है और वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, तो कैसे रोक सकते हैं उसको आप नहीं रोक सकते उनको। आपको मुझे, आपको और मुझे कोई चीज़ पसंद ना हो, बट वो लीगली एडल्ट हैं तो वो अपनी मर्जी से जो चाहे करेंगे, तो ये भी तो एक इस बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, किसी को पसंद नहीं आ सकती बात, वो अलग बात है, बट हम लीगली कैसे रोकेंगे उनको?